ये जो गजब की सेलिब्रेशन हो रहा है, जश्न मनाया जा रही है पहले दौर का, পরিচয় হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আবার আগ্রহ করতে চাই আমাদের দর্শক বৃন্দদেরকে, খেলা শুরু হয়ে গেছে। এই খেলা পরিচালনা করছেন মিস্টার মনিরাম স্যার। কুছ আপত্তির মধ্যে নিজেকে প্রয়াস করতে হুয়ে आग्रह करूंगा, जो भी बैरिकेड बनाई गई है, जो भी एक इस मैदान को सजाई गई है, कोई अतिक्रमण नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आप बैरिकेड कुछ इस्तेमाल करें और कुछ दर्शक जहाँ पर काम की शूटिंग होता है वहाँ पे है, जब उस समय आए तो फिर थोड़ा सा रास्ता छोड़ेंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे ताकि छुट्टी कर सके। और ये पहला गोल इस मैच में, ये गजब से सेलिब्रेट हो रहा है छह नंबर के खिलाड़ी, ये गजब का सेलिब्रेशन हो रहा है, जश्न मनाया जा रही है पहले गोल का। हालांकि लगी प्लेयर ने लगी खिलाड़ी है जो सही से लीडिंग गोल डालने वाले खिलाड़ी एकादश के छह नंबर के खिलाड़ी अभी अभी गोल लगा है, क्षमा चाहूंगा नौ नंबर के खिलाड़ी है। अचिंत किसी समय पूर्वे अचिंत स्कोर करे से दलर जन्म की सुनवाद स्कोर बहुत ही गजब के स्टाइल खिलाड़ी, चार नंबर के गजब का हेयर स्टाइल है,
तेरा बज रहा मेरा साइलेंट मोबाइल है अरे नारगा नहीं रे ओतरा आगे आगे नारगा से किया तो उधर ज्यादा घूमे घर हाँ लाइव लोकेशन तेरा भैया भेज तेरा व्हाट्सएप हाँ तो अभी तेरे से भेज रहा का नंबर है निग्रो तो टीम रे उन्मून करीता है Thank you.
कहाँ जा रहा है उधर हेलो गलत जगह ना लगा है आखिरी मैच नमस्कार और कुंडलस्कार कुंडलस्कार इसके बाद वाली मैच और प्रथम चक्र का आखिरी मैच नमस्कार और कुंडलस्कार एफसी उड़ीसा। इस मैच के बाद किसी भी दर्शक का जो आवेदन होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कौन बनेगा विजेता कॉन्टेस्ट के लिए अगर कोई दर्शक भागीदारी बनना चाहेंगे तो फिर अपने फेवरेट टीम का नाम लेकर सेकंड राउंड का मैच स्टार्ट होने से पहले आपको जमा करना होगा। चुपके चोरी चोरी मगर वक्त आ चुके हैं। देखेंगे दोनों दलों में किसका होगा सीना जोरी। एक तरफ सिद्धू कानू एकादश वेस्ट बंगाल तो दूसरी तरफ प्रवीण एफसी पॉट। प्रथम चक्र का आखिरी मैच के लिए फिर से अनुरोध करूंगा मामास्ता और सरदार एफसी ओडिशा। इसके बाद वाली मैच के लिए मामास्ता और उड़न सरदार एफसी ओडिशा।
आप दोनों दलों के कप्तान हो या फिर मैनेजर या फिर फाइनल सर, आप सबों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने खिलाड़ियों को सुसज्जित कर हमारे मंच के ठीक अगले साइड में फ्रंट साइड में ले आने का प्रयास करिएगा, ताकि जैसे ये मैच समाप्त हो जाती है हम प्रथम चक्र का अंतिम मैच यहाँ पे शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ मैं हमारे दर्शक वृंदों से आग्रह करूंगा, अगर आप 500 रुपए की राशि जीतना चाहेंगे एक आपके लिए और चॉइस आप करेंगे, राम लेंगे या फिर विश के लेंगे, मगर 500 रुपया की राशि आपके पॉकेट में आएगा। जो 2-1 से फिर से एक बार लीड कर सकते थे सिद्धू कान्हू एकादश की टीम, और इस 8 खिलाड़ी को मिला था 19 नंबर के खिलाड़ी को मौका मिला था महेंद्र को। 15 अगस्त एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो हम आजादी के 77वां वर्षगांठ मनाएंगे, और हर साल की भांति इस साल भी 5-स्टार स्पोर्ट्स क्लब कुतरुड़ी एक नंदू के यहाँ पे गोल फुटबॉल का महाकुंभ को आयोजन करते हुए आप सभी सादर आमंत्रित रहेंगे अगले 14 और 15 अगस्त को 5-स्टार कुतरुड़ी बहुत ही चर्चित नाम है, पिछले 52 वर्षों से टूर्नामेंट को सफल आयोजन करते हुए आ रहे हैं। ये भावना शालगिरा होगा, भावना संस्करण होगा 5-स्टार स्पोर्ट्स क्लब कुतरुड़ी के लिए। आखिरी मैच प्रथम चक्र का महाराष्ट्र और उड़ीसा से उड़ीसा, आप दोनों दलों की गाड़ी कृपया दुरुस्त हुआ है और धीरे धीरे अग्रसर हो जाए हमारे मंच की तरफ। एक निर्णायक यहाँ पे खेल हो रहा है, एक पल के लिए भी हमारे दर्शक निगाह को ओझल नहीं होने देना चाहेगा। एक ऐसे ऐसे दृश्य बन रही है इस मैच के दौरान, हमारे चेहन में ऐसे ऐसे दृश्य समझ आएगा। अगला मैच नमस्कार और उड़न सरदार एफसी ओडिशा, ये भी वैसे ही मैच होने की संभावनाएं झलक रही हैं। अगले मैच के अंत तक हमारे दर्शकों के लिए एक अवसर होगा, अगर आप दांव लगाना चाहेंगे किसी दल के ऊपर तो हो सकता है कि आप हो जाएंगे अंतकाल में सुपर डुपर, क्योंकि आपको 500 रुपए दिया जाता है, तो फिर लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए आप अवश्य निःशुल्क आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रतिभागी बन सकते हैं उन बने हुए विजेता कॉन्टेस्ट में। और फिर से एक बार बहुत बड़ा खतरा डाला है क्रॉस मार में लगने के बाद गेंद गई पीछे, क्या वापसी की है कोटा के खिलाड़ियों ने, एक अवसर बनाया था लीड के लिए सिद्धू कान्हू एकादश, मगर स्कोर करने में सफल नहीं हुई। कुल मिलाकर दोनों तरफ क्रॉस मार और गोल पोस्ट में गेंद को स्पर्श कराया है,